धोती 30 रुपए किलोमीटर। बात उन दिनों की है जब हम भाई बहन गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने मामा के घर जाया करते थे। मामा जी की कपड़े की दुकान थी। उस समय वहाँ रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता था, जिसमें दुकान के बाहर बड़ी बड़ी दरी बिछाकर मर्दाना धोती और अन्य कपड़े चिल्ला चिल्ला कर बेचे जाते थे। हम भाइयों को इस तरह से कपड़े बेचने में ज्यादा मजा आता था। ऐसा मौका भी गर्मी की लंबी छुट्टियों में ही मिलता था। एक बार मेरा छोटा भाई निप्पू भी चिल्ला चिल्ला कर कपड़े बेच रहा था, धोती 30 रुपए किलो, धोती 30 रुपए किलो, सस्ता है, ले लो ले लो, फिर नहीं मिलेगा। हम बाकी भाई बहन दुकान के ऊपर बने मकान की बालकनी से खड़े खड़े देख रहे थे। तभी मामा जी के बड़े बेटे ने नीपू से चिल्लाकर कहा कि नीपू, धोती 30 रुपए किलो नहीं, धोती 30 रुपए मीटर कह के बेचो। थोड़ी देर बाद हम सब हंस हंस कर लोट पोट हो गए, जब नीपू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, धोती 30 रुपए किलोमीटर, धोती 30 रुपए किलोमीटर, ले लो 30 रुपए किलोमीटर। आज भी जब हम भाई बहन मिलते हैं तो नीपू भाई का यह कथन, धोती 30 रुपए किलोमीटर, हमें हमेशा मुस्कान ला देता है। तो ये याद मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं हटती कि किस प्रकार हमने गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लिया। ये था मेरे बचपन का फनी मोमेंट जो मुझे आज भी बहुत याद आता है। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छे संस्मरण होते हैं हमारी लाइफ के जो हमेशा हमें याद रहते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट देना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।